रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। पाली भाषा के महत्व और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार उन्होंने साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे जन्म के समय से भगवान बुद्ध से जुड़ाव की जो यात्रा शुरू हुई यह अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और एप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है, बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है।